हाय वेलकम टू नर्सिंग एंट्रेंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओपन नेट एलेवन इग्नो पोस्ट बेसिक बी नर्सिंग के क्वेश्चंस को जो कि आठ जनवरी दो को हुआ था वन से सिक्सटी तक के क्वेश्चन आंसर को मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला है और ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग सिक्सटी वन टू वन ट्वेंटी क्वेश्चन के आंसर को देखने वाले हैं तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन को इनक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स रेफर्स टू ऑप्शन ए ग्रोथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री स्कूल एज इज फ्रॉम आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर थ्री टू सिक्स ईयर्स नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ चाइल्ड विथ बिहेवियर प्रॉब्लम इन्क्लूड्स असेसमेंट ऑफ द फॉलो विक आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर चाइल्ड पेरेंट एंड एन्वायरमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड गेंस ब्लडर कंट्रोल बाय द एज ऑफ थ्री इयर्स ऑप्शन फोर करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव है इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट आंसर होगा आपका वन सिक्सटी सिक्स ए बेबी हु इज लेस देन टू हंड्रेड फाउ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ग्राम्स एट बर्थ इज कॉल्ड लो बर्थ वेट बेबी अपगार्ड स्कोर इज चेक इनिशियली विद इन वन मिनट ऑप्शन फोर नेक्स्ट मोर इज रिफ्लेक्स प्रेजेंट एट बर्थ डिस एपियस बाय फोर टू फाइव मंथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ कंजेनाइटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टोनिशिस इज ऑप्शन वन होगा सही प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इंक्लूड सीवियर डिहाइड्रेशन में आपको क्या फील होगा तो ये ऑप्शन थर्ड होगा फीलिंग थर्स्टी और ड्रिंकिंग ईगरली नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ रिदमिक फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट आंसर होगा फॉर अर्थलेज अर्थलेजिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू ड्यूरिंग ड्रग थेरेपी विथ द फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसी यू शुड एज नस मॉनिटर द फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन आंसर होगा आपका फॉर ब्लीडिंग नेक्स्ट uh, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री है आपका इन ए चाइल्ड विथ हाइपोस्पार्डियास इफ द मीटर इज सिचुएटेड एट सैफ्ट इट इज़ नॉन एज तो इसका आंसर uh, होना चाहिए मिड साफ्ट बट वो कोई ऑप्शन है नहीं तो uh, uh, अगर uh, देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ट uh, हो सकता है बट ये कन्फ्यूजिंग uh, ऑप्शन uh, है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि कौन सा राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ए नर्स यू शुड ऑब्जर्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन ए चाइल्ड विथ इंसेफ्लाइटिस एक्सेप्ट एक्सेप्ट में आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर बॉबल मोमेंट नेक्स्ट है इन ए चिल्ड्रेंड विथ मैनजर द सेक कंटेंट्स वन ऑफ द फॉलोइंग तो सेक कंटेंट करता है आपका ऑप्शन फोर स्पाइनल कोड मैनजेज एंड स्पाइनल फ्लूड नेक्स्ट है रि एट्रीब्यूशन थेरेपी इज यूज इन ऑप्शन थर्ड होगा आंसर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स नेक्स्ट है वन ऑफ़ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ मेंटल इटार्डेशन फॉर ए चाइल्ड विथ आई क्यू ऑफ फोर्टी फाइव इज तो ये आई क्यू फोर्टी फाइव है आपका मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नेक्स्ट है ऑटिजम अकर्स मोस्टिन चाइल्डहुड ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी नाइन को देखते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल सस्पेक्टेड अदर पर्सन विल हिम इज ऑप्शन फोर पैरानॉइड पर्सनालिटी नेक्स्ट वन है uh, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच द पर्सन कंस्टेंटली मेंटेन्स अ प पोजिशन विदाउट एनी मूवमेंट ये हो जाए आपका कैटेब्लैक्सी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन नंबर एट्टी वन एट्टी वन है आपका हेल्यूसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ हेल्यूसिनेशन आपका डिसऑर्डर है परसेप्शन का ऑप्शन फोर सही होगा नेक्स्ट uh, है ए मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई स्टेटाइपिक स्पीच इज नॉन एज ऑप्शन ए वर्विजरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिलीजनल डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड इन पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया इज ऑप्शन बी डिलीजन ऑफ प्रोसिक्यूशन नेक्स्ट है डिलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ डिलिरियम कौन सा डिसऑर्डर है ऑप्शन ए होगा करेक्ट कॉन्शियसनेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट्टी फाइव डिमेंशिया इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट डिमेंशिया किसमें नहीं सो होता है आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कैन यूज डिसऑर्डर नेक्स्ट है फॉर्मूला टू कैलकुलेट आईक्यू इज ऑप्शन ए सही होगा मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इनटू हंड्रेड नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन पोस्ट पार्टम साइकोसिस इज और आंसर होगा आपका डिप्रेशन नेक्स्ट है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन कॉमनेस्ट कॉज जो होगा वो होगा आपका बर्थ एस्पेक्शिया ओके क्वेश्चन नंबर एटी नाइन है एट स्टेज क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज प्रपोज बा ये प्रपोज हुआ था आपका इडिक्शन के द्वारा नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन सब्सटेंस एब्यूज इन इंडिया इज ऑप्शन ए होगा अल्कोहल नेक्स्ट है मेजर यूज ऑफ न्यूनेट मेजर कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ्स इन इंडिया इज प्री मेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट ओके नेक्स्ट है द ओवरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इन टोटल इसमें हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन वन कॉटेक्स एंड मेडोला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री है प्रेगनेंसी विथ एलिवेटेड सीरम अल्फा फिटो प्रोटीन लेवल इंडिकेट्स ये इंडिकेट करता है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और फीटस नेक्स्ट है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और पेल्विक आउटलेट इज थर्टी थर्टीन सेंटीमीटर कहीं कहीं थर्टीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दिखता है बट वो करेक्ट uh, होगा थर्टीन सेंटीमीटर नेक्स्ट है इंटीरियर इंटेरियर फाउंटेनलेज आफ्टर द एज ऑफ एटीन मंथ्स एम्यूटिक फ्लूड इज डिटेक्टेड एट एमिक फ्लूड कब डिटेक्ट होता है तो इसका कोई सर्टिक आंसर नहीं है तो इसीलिए हम लोग सबसे सब ज़्यादा वाले वीक को यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टेन वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग डाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन है एट ट्वेंटी फोर्थ ऑफ प्रेगनेंसी फंडस ऑफ द यूटेस इज एट द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस और वन फिंगर लोअर ऑफ ब्लैक का ऑप्शन टू नेक्स्ट है ड्यूरिंग फर्स्ट जस्टेज ऑफ लेबर एबडोमिनल एग्जामिनेशन रिव्यूस ऑल ऑफ द फॉलोविंग एक्सेप्ट तो ये मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन फोर हो रहा है uh, तो बट ये कन्फर्म आंसर नहीं है आप लोग आप लोगों के अनुसार कौन सा सही है अ, कमेंट करिएगा ठीक है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन देखते हैं नाइन्टी नाइन बिफोर मेकिंग एन अटेम टू एक्सपेल द प्लासेंटा नोर डेट ऑप्शन वन हो जाएगा प्लासेंटा इज सेपरेटेड एंड इज लाइंग इन लोअर यूटराइन सेगमेंट नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंड्रोमेट्रियोसिस एक्सेप्ट एक्सेप्ट हो जाएगा आपका सॉफ्ट टेंडर यूटरस ओके नेक्स्ट वन है प्राइमरी डिसमेनेरिया करस इन यंग वुमेन आफ्टर मीनार ड्यू टू एक्सेसिव लेव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड टू को देखते हैं ऑल आर द फॉलोइंगजेज ऑफ एब नॉर्मल लेवल एक्सेप्ट एक्सेप्ट में हो जाएगा आपका ब्रैक्सटन एंड हिक्स कॉन्ट्रेक्स ऑप्शन फोर नेक्स्ट है सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर इन्वॉल्व डीपर लेयर ऑफ पेरिनियल मसल नेक्स्ट है यूट्राइन फाइब्रोसिस कैन कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डिजेनरेशन नेक्स्ट है इन केस ऑफ प्रेगनेंस मदर विथ पोलिहाइड्रमस लेवर इज इंड्यूस्ड इफ देर इज फीटर एवनली और कुछ कुछ जगह पर प्रेगनेंसी मोर देन थर्टी सेवन वीक्स भी है बट जो सबसे सटीक लग रहा है ऑप्शन के अनुसार वो ऑप्शन वन लग रहा है ओके नेक्स्ट है हंड्रेड एंड सिक्स फॉलोइंग डील्स विद द रूल्स और प्रिंसिपल स्टेट गवर्न राइट कंडक्ट और प्रोफेशन इज नॉन एज इथिक्स ऑप्शन जो टू होगा वो सही होगा नेक्स्ट है जस्टिफाइंग एक्शन और डिसीजन इज अकाउंटेबल ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब है ऐसा क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए बट जो है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन थर्ड सही लग रहा है नेक्स्ट है द बेस्ट द बिलीव डेट ह्यूमन बीइंग कैन फंक्शन एज कंप्लीट यूनिट्स एंड कैन नॉट बी इफेक्टिवली ट्रीटेड पार्ट बाय पार्ट तो ये मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन थर्ड सही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड नाइन The arrangement of individuals into a series of supervisors and subordinates refers as hierarchy. Next, the number of subordinates that a manager or supervisor can effectively supervise is known as span of control. Option third say yoga. Next, in attainment of a particular objective, a specific criteria against which a performance is measured. इज़ चेक चेकलिस्ट ऑप्शन थर्ड सही होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड ट्वेल्व सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स इक्विपमेंट्स एंड सप्लाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब डिपार्टमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन तो ये आंसर ऑप्शन वन जो है वो uh, सही uh, होगा नेक्स्ट है 113. It is a process of assigning responsibility and authority to co-workers or subordinates and ensuring his accountability. It is known as option 4: delegation of responsibility. Next omission to do something that are reasonable, that a reasonable and prudent person would do it is known as negligence. Option two say yoga. Uh, next question number 15, 115. Mm following includes the personal function of bringing training, manpower and maintaining favorable condition of work is known as uh, management, resource management. next, eh, 160. Uh, continuous task of making decisions and giving instructions to maintain action towards desired objectives is called directing. next one is. Eh, ट्रांसलेशन ऑफ टोटल स्टेटमेंट ऑफ मॉनिटरी रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंशियल कंसिक्वेंस इज नॉलेज बजटिंग ऑप्शन वन सही होगा नेक्स्ट है प्राइमरी पर्पज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टू इंश्योर रिजल्ट आउटपुट और ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज इज नॉनेज सुपरविजन नेक्स्ट के दो क्वेश्चन को देखते हैं पोस्ट बेसिक बी एस सी नर्सिंग प्रोग्राम इज ए टाइप ऑफ ये इन uh, सर्विस भी हो सकता है आपका कंटिन्यूशन भी हो सकता है अगर सर्विस ब्रेक करके हम लोग करते हैं या। तो कंटिन्यूशन हो गया और बाय द वे सर्विस में रहते हुए कर रहे हैं तो इन सर्विस हो जाएगा तो मेरे अकॉर्डिंग जो सटीक है वो कंटिन्यू एजुकेशन है नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स इज एक्सेप्ट एक्सेप्ट हो जाएगा आपका टेक्निकल स्किल्स ओके वे इस क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी हो सकता है तो चूँकि कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा वेग है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स को आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो उसको सुधार किया जा सकता है ओके थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग